बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट पर फिर से कमल खिलाने का बड़ा दावा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कंधों पर लोकसभा प्रत्याशी के साथ साथ पूरी पार्टी की जिम्मेदारी को भी संभाल कर चल रहे हैं और राज्य के हर क्षेत्र में ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां भी की जा रही हैं। चिलचिलाती धूप में जीत की मंजिल को देखकर ही बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। एहसास न गर्मी का है और न ही सुबह शाम बीतने का। इसी कड़ी में भिवानी के कस्बा बहल में भी बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। रैली वित्त मंत्री जेपी दलाल द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौरान मनोहर लाल ने मन से बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के लिए लोगों से वोटों की अपील भी की, तो कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह पर जमकर जुबानी प्रहार किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में खेल चल रहा है, वो ये चल रहा है कि हमारे चौधरी धर्मवीर जी तो बहुत एक सीधे साधे सामान्य किसान है। एक किसान के नाते या थोड़ा बहुत अपना कोई बिजनेस करते होंगे, थोड़ा पैसा अपना कमाते होंगे, चाहे राजनीति में खर्च करते हो, चाहे घर में खर्च करते हो, चाहे लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन जो सामने बैठा है रावदान सिंह, यहाँ जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अरबपति है, यानी एक तो करोड़पति होता है, एक खरबपति होता है, वो अरबपति है। और उसने अरबों जो कमाए हैं वो लोगों की खून को चूस के कमाए। मित्रों, इतने झगड़े होते हैं आज गुड़गांव के अंदर या ऐसे स्थानों पर जो बिजनेस करते हैं उसमें धोखे का धंधा करके उनके बेटे के खिलाफ आज भी वारंट है। उनका बेटा जमानत पर गया हुआ है और एक नहीं पूरे की पूरी कंपनियां, उनके सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे, साथ ही करनाल विधानसभा उपचुनाव में भी जीतेंगे। तो मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया, कहा कि राहुल गांधी को किसी भी चीज की कोई भी समझ नहीं है। मोदी जी ने विकास के काम किए, देश को जिस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए दुनिया में अपना स्थान बनाया है उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और मोदी जी ने विकास कराए हैं, हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं वो भी जनता को भा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक चीज़ नहीं चलती, सब चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। आज लोग मोदी और राहुल की तुलना करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कहाँ पहुँच गया, और राहुल जिसको कोई देश के नाम की समझ नहीं, कोई विचारों की समझ नहीं, कोई संस्कारों की समझ नहीं, कोई पढ़ाई की समझ नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर गरीब परिवारों को, गरीब महिला और बेरोजगार नौजवानों को अगर 1 लाख रुपये साल का देने का जो उन्होंने अपना गणित बैठाया है, उन्होंने घोषणा पत्र किया है, वो अगर पूरा करते हैं तो 45-46 करोड़ रुपया उसी में जाएगा। टोटल बजट देश का 48 लाख करोड़ है, 46 लाख करोड़ और टोटल बजट ही 48 लाख करोड़ है देश का। आप भी जरा हिसाब लगा के देखें कि किस प्रकार की घोषणाएं करते हैं, वो झूठ का पुलंदा है। वो तो ऐसा यानी आउटडेटेड डेट का चेक है जो कभी, जैसे बैंक भी उसको रिजेक्ट करता है तो एक प्रकार से घोषणा पत्र रिजेक्ट करने लायक है। हरियाणा की 10 लोकसभा के साथ ही करनाल विधानसभा पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करके 4 जून को मोदी जी की झोली में डालेंगे। अब देखना होगा कि कितना विश्वास जनता जताती है। भिवानी से सूर्य समाचार के लिए इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।